नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज बात किया जाएगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेखपाल भर्ती के बारे में। दोस्तों कल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने उन अभ्यर्थियों को राहत दी जिनका आप जानते हैं फीस पेमेंट नहीं हो पाया था। फीस पेमेंट की संख्या काफ़ी बड़े स्तर पर देखने को मिली। कम से कम 2-3 हज़ार तो एक्टिव यूजर थे जो मेरे ग्रुप में ही थे जिनका फीस पेमेंट नहीं हुआ था। लेकिन छोड़िए, जिसका हो गया हो गया, जिसका नहीं हुआ उनके लिए भी खास खुशखबरी यही है कि वो जाके कल अपना या आज से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं 24 जुलाई तक, ठीक है, जब तक आपका एग्जाम डेट है। तो उसके बारे में दोस्तों आज बात नहीं किया जाएगा। आज UP SSC लेखपाल के लिए स्पेशल बात किया जाएगा। देखिए, आपको 2-4 महीने में नौकरी चाहिए या 3 महीने में नौकरी चाहिए तो लेखपाल आपके लिए बेस्ट जॉब है, अपने घर की जॉब है, इससे बड़ा कोई जॉब नहीं हो सकता। नौकरी कोई भी कीजिए आप, लेकिन बाद में 2-4 साल बाद आपको अपने घर की याद आती है कि भैया अपने घर में नौकरी मिल जाता तो बढ़िया रहता, तो वो लेखपाल आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि लेखपाल की नियुक्ति कब तक होने वाली है सारा डिटेल आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, ऑफिशियल दिखाऊंगा जो UP SSC करने जा रहा है, ठीक है। चलते दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर यदि नए आप विजिट किए तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, इस लेख में काफ़ी बताया भी गया कौन कौन सी भर्ती कराएगी, उसके बारे में आपको अगला वीडियो में आ जाएगा, जिसमें 12,000 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र देने की अधीनस्थ सेवा चयन की बात की गई। और नियुक्ति कब तक भैया? सितंबर तक, क्योंकि आप जानते हैं जुलाई में लेखपाल का एग्जाम होगा, मैक्सिमम आपका 24 जुलाई का एग्जाम होगा, 5 से 6 दिन के अंदर आपका वो आ जाएगा, आंसर किया जाएगा। आंसर की बहुत बड़ी चीज़ नहीं है क्योंकि संख्या बहुत ही कम है, 2 लाख बच्चों का आंसर की निकलना तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आंसर की आपका जुलाई तक आ जाएगा, अगस्त लास्ट तक आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। जैसे ANM की प्रक्रिया अपनाई गई थी, यदि वैसा हुआ तब तो आपको 15-20 दिन रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन ANM में क्या था, संख्या बल काफ़ी कम था, सरकार का प्रेशर भी था, क्योंकि आप जानते हैं कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस हुए थे, इसके लिए भर्ती तुरंत कराई गई। तो लेखपाल वाले अभ्यर्थियों के लिए यही गुड न्यूज़ है कि सितंबर तक ये भर्ती आपकी 90% खत्म हो जाएगी। 90% मतलब क्या, रिजल्ट आ गया आपका 90% हो गया, क्योंकि इसमें कोई बड़ा मैटर नहीं है, DVU भी होना है, बस उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। इसमें कोई साइको टेस्ट या आपका टाइपिंग हो गया, अच्छा कोई अन्य प्रकार की कोई समस्या इसमें नहीं है कि उनको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सामना सामना करना पड़ेगा। डायरेक्ट मेन एग्जाम है, एग्जाम हुआ मतलब भर्ती कंप्लीट हो गई। लेखपाल भर्ती इसी साल आयोग की ओर से राजस्व लेखपाल के 8,000 पदों की भर्ती 24 जुलाई को होगी। सूत्रों के मुताबिक इनका चयन भी इसी वर्ष के अंत तक हो जाएगा। सहायक बुलेट टेक्नीशियन के 486 पदों के 3 जुलाई और सप्लाई निरीक्षक के 76 पदों के 17 जुलाई को एग्जाम होंगे। मतलब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 1 महीने में 3 एग्जाम कराने की तैयारी कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑफिशियल डेट है। तो देखिए भाई, जिसको भी लेखपाल के लिए सीरियस है वो एकदम रेडी रहे। इसके बाद आप देखिए क्या दिया है, सितंबर तक 12,000 पदों पे चयन की तैयारी, जिसमें से 9,000 आप जानते हैं कौन से पद हैं आपके, 9,000 आपके पद हैं ANM के, 8,000 के पदों इसमें और आप पद आपके देख लीजिए लेखपाल के हैं, जो इस साल के सितंबर अक्टूबर तक उसको भी कंप्लीट कर लिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे चेयरमैन ने साफ साफ बताया है, आप देख सकते हैं कि आपका जो इनका मेन रिजल्ट है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये ANM को छोड़ के बात कर रहा है। सरकार की ओर से 6 महीने में 10,000 भर्तियाँ करने का लक्ष्य था, ऐसे में UP SSC की ओर से 10,000 से अधिक भर्ती पूरी की जाएगी। ANM भर्ती का परिणाम देखिए, जो 12,000 है उसमें ANM नहीं है, ठीक है, तो ANM को बाहर कर दीजिए, इसमें लेखपाल आपका है और छोटे मोटे एग्जाम है, जैसे लोअर हो गया आपका, बोरिंग टेक्नीशियन हो गया, कंबाइंड टेक्नीशियन हो गया, आपका वीडियो नहीं होगा, वीडियो को छोड़ के वीडियो, क्योंकि वीडियो का एग्जाम ही आपका अक्टूबर नवंबर में होगा, तो वीडियो होने की कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका वन रक्षक हो गया, ये सारे एग्जाम मिलाएंगे, और कनिष्ठ सहायक हो गया, तो आपके 12,000 पद हो जाएंगे, ठीक है। इन्हीं 12,000 पदों की नियुक्ति आपको सितंबर अक्टूबर तक देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये इनके प्रोसेस में कुछ खास नहीं रहा, ठीक है। जिनका जिनका अधीनस्थ सेवा चयन ने कैलेंडर निकाला है उसकी नियुक्ति आपको 100% सितंबर अक्टूबर तक या दशहरा तक आपकी 100% आपकी नियुक्ति होगी, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बस एग्जाम में लगे रहिए, तैयारी में लगे रहिए, जैसे कोई बड़ा अपडेट आएगा आपको तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। चैनल को जो सब्सक्राइब करके सभी स्टेट ग्रुप में शेयर करना भूले, धन्यवाद। दोस्तों यूपी लेखपाल की बेस्ट बुक जो चक्षु पब्लिकेशन द्वारा मार्केट में आ चुकी है, इस बुक की क्या खासियत मैं आपको दिखाऊंगा, और सबसे बड़ी बात जो ग्रामीण परिवेश का इसका सिलेबस मैं आपको दिखाऊंगा, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे इसमें क्या कवर किया गया है। जिसमें दोस्तों आपको राजस्व लेखपाल में आपको गाइड मिल जाएगा, ग्राम समाज का अलग से बुक मिल जाएगा, आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, सारे चीज़ आपको पॉइंट टू पॉइंट इसमें कवर किए जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्रामीण समाज में प्रवेश के बारे में, सबसे बड़ा चीज़। जितने दोस्तों आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन बुक्स मिल रहे हैं, पढ़ाया जा रहा है, पुराने पैटर्न पे आपको ग्रामीण प्रवेश का पैटर्न कवर किया जाए, नए इसमें जो आपको सबसे बड़ी बात है, इसमें एक्सपर्ट के आधार पर, एक्सपर्ट्स के अनुसार इसको सिलेबस को बनाया गया है, ग्रामीण प्रवेश को पूरा कवर किया गया है। मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, सबसे बड़ी चीज़ देखिए, ये आपका आगे का पैटर्न है, ये देखिए,
इसमें आपका ग्रामीण परिवेश का जो 25 नंबर का आने वाला, जहाँ पे बच्चों को फेल होने की उम्मीद है, यहाँ आप देखिए कितना बढ़िया तरीके से इसका विषय सूची बनाया गया है। एक एक पॉइंट आपको मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, जो एक्सपर्ट आपको 2 दिसंबर का जो सिलेबस है इसका, उसको पूरा फॉलो किया गया है एक्सपर्ट द्वारा। एक पॉइंट इसमें देखिए नहीं छूटेगा, 100% आपको 25 में 25 नंबर इसमें से आना, ये एक नंबर नहीं बाहर जाने वाला है। टोटल आप देख रहे जितनी सरकार की योजना यहाँ पर दिया गया, दीनदयाल हो गया, चाहे कोई भी योजना हो गया, आपको यहाँ पर देख सकते हैं टोटल सिंचाई के बारे में बताया गया है। ऊपर आप देख सकते हैं टोटल पॉइंट इसका कवर किया गया है, जितने भी चकबंदी कृषि विभाग संबंध जितनी भी जानकारी यहाँ पे, मतलब टोटल एक्सपर्ट द्वारा ये आपको 2 दिसंबर की जो सिलेबस था उसके अनुसार बनाया गया है। आपको टोटल पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे, 25 में 25 की गारंटी है भाई दोस्तों इसके पढ़ने के बाद। नीचे आप दोस्तों देख सकते हैं इसका डिटेल से बताया गया है हर एक पॉइंट टू पॉइंट को। इसके साथ दोस्तों आपको गाइड मिल जाएगा और प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, इसमें 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। आपको पुराने जितने भी UP SSC UP एग्जाम है उसको कवर किया जाएगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बुक्स आपको अवेलेबल है, तो समय रहते आप ले लीजिए क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। धन्यवाद।